नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो जैसा कि हमारा टॉपिक पूरे होते ही हमारी क्वेश्चन सीरीज़ आनी थी, मैंने आपको ये बताया था, तो आज मैं आपके सामने अपनी क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आई हूँ जो मैंने बनाई है आपके लिए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले ये देखिए, होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका या उपरोक्त सभी ही जो ऑप्शन है इसके, तो किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने हमें मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा सबसे लास्ट घा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं? तो भीमबेटका में कितनी गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं? 30, 285, 600 या 135? तो मैंने आपको भीमबेटका पढ़ाते हुए बताया था कितनी गुफाएं हमें मिलती हैं, 600। दोस्तों कितनी गुफाएं हमें मिलती हैं? 600। इसका सही आंसर क्या होगा? 600 पे हमें टिक करना है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, भीमबेटका क्या है? तो मैंने आपको बताया था जब मैं भीमबेटका पढ़ा रही थी कि भीमबेटका क्या है, भीमबेटका नगर है, जंगल है, जंगल का नाम है, पहाड़ी का नाम है या मंदिर का नाम है, किसका नाम है? तो भीमबेटका किसका नाम है? पहाड़ी का नाम है। इसका सही आंसर होगा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? तो भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवारों और छत पर, गुहाओं के द्वार पर। तो कहाँ मिले हैं अधिकतर इसके चित्र? दीवार और छत पर। ये चीज आपको याद रखनी है, जो भीमबेटका के जो चित्र मिले हैं हमें वो दीवार और छत पर बने हुए मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दीवार और छत पर। इसका आंसर सही होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की थी? तो जब भीमबेटका मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की। सबसे पहला ये ऑप्शन देखते हैं, ये है श्री राय कृष्णदास जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने की थी, या नंदलाल बोस ने की थी, या श्री वी एस बांकड़कर ने की थी। किसने की थी? श्री वी एस बांकड़कर ने इसकी खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मिर्जापुर के पास, इंदौर के पास, रायपुर के पास या भोपाल के पास? तो भीमबेटका किसके पास स्थित है? भोपाल के पास। चलिए अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं, भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी, भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई थी? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1958 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1959 ईस्वी में एंड डी ऑप्शन है 1971 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1958 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक, मैसोलिथिक या चेल्कोलिथिक? कौन सी है? मैसोलिथिक। दोस्तों ये है मैसोलिथिक। और 9 क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का उपयोग किया गया है? तो भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब बताया था सबसे अधिक किस रंग का यूज किया गया है। आइए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला, चौथा है बैंगनी। तो कौन से रंग का यूज किया गया है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो दोस्तों भीमबेटका के जो चित्र हैं वो कौन से हैं? प्रागैतिहासिक, जैन, बौद्ध धर्म पर आधारित है या ईसाई धर्म पर आधारित है? तो ये आपको पता होगा, इसका सही आंसर क्या है? ए, प्रागैतिहासिक चित्र हमें भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर मिलते हैं? तो आमोद प्रमोद के चित्र हमें मिलते हैं, नृत्य के चित्र हमें मिलते हैं, आंखेट के चित्र हमें प्राप्त होते हैं या पारिवारिक दृश्यों के हमें चित्र प्राप्त होते हैं? तो मिर्जापुर की गुफाओं में हमें कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? दोस्तों सबसे ज़्यादा मैंने आपको पढ़ाया था, जब बताया पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि आखेट के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका लखनी आदरी पंचमढ़ी
ये तीनों गुफाएं प्रसिद्ध हैं किसके लिए? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या गुफा के लिए? तो ये तीनों जो गुफाएं प्रसिद्ध हैं, इसका सही आंसर होगा चित्रों के लिए। किसके लिए? चित्रों के लिए। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो किस क्षेत्र में हुई थी? बनारस में हुई थी, मिर्जापुर में हुई थी, कानपुर में हुई थी या आजमगढ़ में हुई थी? तो भारतवर्ष में दोस्तों सबसे पहले जब प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी वो सर्वप्रथम मिर्जापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आप बताइए कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिघनपुर, लिखुनिया, आदमगढ़ या भीमबेटका? तो इसका सही आंसर होगा लिखुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है भीमबेटका गुफा? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है हमारी? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नृत्य का दृश्य किस गुफा में स्थित है मिर्जापुर में? तो ये ध्यान रखेंगे, पंचमढ़ी में है, भंडारिया में है, मुखादरी में है या लिखुनिया में है? तो ये इसका सही आंसर होगा भंडारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा के चित्र बने हुए हमें मिलते हैं? मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए मिलते हैं? श्यामला की पहाड़ियों पर, कबरा की पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पहाड़ियों पर या कैमूर की पहाड़ियों पर? तो जब ये आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था किसकी पहाड़ी पर? कैमूर की पहाड़ी पर। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है दोस्तों मिर्जापुर? चलिए ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या बिहार में है? तो कहाँ है मिर्जापुर? उत्तर प्रदेश, यूपी। मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? यह मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र कहलाता है? तो मिर्जापुर में कौन से काल के हमें चित्र प्राप्त होते हैं? प्रागैतिहासिक के, राजस्थान के, अवधि के या बिहार के? तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? ए, प्रागैतिहासिक चित्र हमें मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। 20 आंसर है हमारा, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का दृश्य दोस्तों किस गुफा में चित्रित है? तो आइए देखते हैं, लिखुनिया में है, भीमबेटका में है, जोगीमारा में है या लिखुनिया? अच्छा, ये दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ओके, इसका आंसर दोस्तों होगा लिखुनिया। क्या होगा? लिखुनिया होगा। लिखुनिया में सांभर के आखेट का दृश्य है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? मुगलों ने, अंग्रेजों ने की थी या बंगालियों ने की थी या इन सभी ने की थी? तो दोस्तों जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला की खोज अंग्रेजों ने की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। इसका सही आंसर अंग्रेजों आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है 8, दूसरा 4, तीसरा 6 या 2? तो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के चित्र हमें मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज दोस्तों। अभी कुछ प्रश्न अभी और आगे भी हैं, लेकिन हम एक ही वीडियो में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड होना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम आपको फिर से नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।